हाजिल ब्लॉक सोरा सूरी का स्वागत है। मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ, तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने। तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमने सोचा चलो बाई ट्रेन चलते हैं। मेट्रो में तो हमने बहुत सारा सफ़र कर लिया है, तो ये मालगाड़ी खड़ी है अभी, तो जो हमारी भी ट्रेन आएगी वो थोड़ी देर में इसी पटरी पर आएगी। तो इस साइड में मालगाड़ी खड़ी है, और उस साइड जो कंटेनर वगैरह जाते हैं, एक्सपोर्ट का माल जाता है, जो एक्सपोर्ट का माल होता है वो इसमें जाता है। ये वो कंटेनर खड़े ये देख लो, और ये देख लो ट्रेन जो माल गाड़ी है कितनी लंबी है, कहाँ इसका इंजन है, और ये इतनी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। देखो और पीछे दिखाता हूँ अभी आपको, वो देख लो ये इतनी लंबी है अभी, बहुत लंबी। तो हम टिकट ले लेते हैं 30-35 रुपये की, तो बात है कहीं टीटी ने पकड़ लिया था 100-100 रुपये और लेगा वो। तो ट्रेन में सफ़र करना है तो टिकट ले लो, फिर तो निश्चिंत होके जाओ आप, नहीं तो सर चोरों की तरह रहता है, कब कौन कहाँ से कैसे आ जाए, 30 रुपये के पीछे क्यों 100 रुपये मरवाना अपना। तो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी इसमें इसी पटरी में। तो ये रहा रेलवे स्टेशन, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक घड़िया सूखा है। तो ये वो कंटेनर लोडिंग है उस साइड, तो सफाई तो बढ़िया है वैसे, सुविधा बहुत ठीक है, छत छत ऊपर बड़ी है, और पानी पुनी नल सुविधा बहुत बढ़िया है, वो पानी चल रहा है। जो भी रेलवे स्टेशन होता है उसमें क्रॉसिंग बनाए होते हैं, नीचे से आप जल्दबाजी मत क्रॉस करो। तो हम यहाँ से जाएंगे क्रॉस करके और साइड से निकलेंगे, देखो नीचे, तो नीचे कुछ भी हो तो हम आराम से इजीली जा आ सकते हैं। सारे होता है, जो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो 24-25 पटरियाँ है, तो वहाँ सारे में ही लगे हैं। नीचे से डायरेक्ट मत आप कभी क्रॉस करो, ये देख लो सारे कंटेनर खड़े हैं, सारे लोड हो गए इसमें, फिर सारे जाएंगे, देखो सारे कंटेनर खड़े हैं। तो बंदर आ गए, ये देखो यार ये ट्रेन इस साइड से ये पहले डीजल ही जाती थी सारी, अब लाइट वाली होगी सारी, ये सारे इसमें दूध वाले आ रहे हैं, बंदे जो भी जाते हैं लोकल ट्रेन में, दूध की बाल्टियाँ साइड में लटका के रखी है, ये देख लो ये रुकती नहीं यहाँ पे, शायद रुकेगी आगे जैसे पता नहीं अभी, ये देख लो सारे लोकल लोग बड़े रहते हैं इसमें, तो दूध दाँत की बाल्टियाँ लटका के रखी है, देखो साइड में अगर खड़ी होगी तो आपको मैं बताऊँगा किसको, हाँ स्पीड तो कम होगी इसकी, रुकेगी शायद, ये रुकने लगी। तो यहाँ पे आप दिल्ली से आओगे तो टिकट की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ टीटी वगैरह नहीं रहते। ये देखो ये खड़ी होगी, जो दूध की बाल्टियाँ लग रही है साइड में, ये देखो पूरी डब्बे में ऐसी लग रही है। तो ठीक है, हम टिकट ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने टिकट ले ली है, वो तीन दो दोस्त जा रहे साथ में, एक मैं होगा, तीन बंदे 90 रुपये, 500 दिया था मैंने, 410 रुपये 200 दे दिए बस। अब ट्रेन का वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद बोला ट्रेन आने वाली है, तो ठीक है हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो ये हमारी सीट है, हम बैठे हैं, ये जनरल डिब्बा है, तो ऊपर भी सामान रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, सीट में ऊपर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, नीचे सीटिंग सीट नंबर रहता है, ऊपर कुछ नहीं रहता। और मैं आगे से दिखाता हूँ आपको, सारे सारी ट्रेन खोले देख लो, इस साइड सिंगल बैठते हैं, इस साइड चार बंदे बैठते हैं, वो दूसरी होती है वो स्लीपर, उसमें फोल्ड होती है, बीच वाली इसमें फोल्ड वाली नहीं होती, मैं वहाँ बैठ रखती है, तो बाथरूम की सुविधा इस साइड है, टॉयलेट बाथरूम। तो ये रहा, ये साइड में खड़ी है ये एसी वाला, ए सी वाली डिब्बा है, ये देख लो, ये देख लो पीछे देख लो आप कितनी लंबी है, ये पूरा एसी है, एसी की बोगी है साइड में खड़ी है, ये है गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी है साइड में, ये देख लो काफ़ी लंबी है। तो ये पीछे रहा, तो हम थोड़ी देर रुक आए, अभी लाल रेड बत्ती आ रही है आगे, आपको दिखाई दे रही होगी रेड बत्ती है, अभी रुकी है यहाँ, वेट कर रहे हैं पानी किसका, तो सारे बंदे नीचे उतरे हैं। तो चलने से पहले एक बार हॉर्न मारती है, बजाती है, पाँव पाँव करती है, तो चल सारे बंदे अंदर बैठ जाते हैं। सब जो बंदा डेली आता है उसको पता है कैसे कहाँ रुकती, कितनी देर रुकती है, देखो आगे रेड बत्ती हो रही है, तो साइड में झाड़ियाँ वगैरह है, कई ऐसी जगह रोक दिए, कोई स्टेशन वगैरह नहीं आते। तो ठीक है गाइस, अब आगे जाके देखते हैं मार्केट में। तो वीडियो को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप मेरी वीडियो को, ठीक है गाइस।
तो मैं नीचे आ गया हूँ। ये इसके पहिए है, ट्रेन के पहिए, ये देखो ये पहिया रहा है जो ब्लैक हो रहा है, ये देखो पहिया रहा नीचे चलते हैं, इस पर चलती है तो हो सकता है फिसल सकती है कभी भाई, वो पता नहीं है ऐसे क्या है। ये देखो ऐसे पता है कुछ, ये देख लो ये पूरा जुगाड़ है इसका, जो ब्रेक वाला सिस्टम है ये पूरा है, ये देख लो ये खड़ी है, ये पूरा बैठने के लिए लेटने के लिए शायद है नहीं, लोकल बोगी पूरी लोकल ट्रेन है, पूरी लोकल ट्रेन है। ये देख लो रेड बत्ती आ रही है आगे, क्यों आ रही है किस कारण आ रही पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने वाले तो इस कारण आ रही होगी। चलो ठीक है फिर सुबह आगे जाके और बताऊँगा, जानकारी देता हूँ आपको। हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक, हम देख रहे हैं लहंगा साड़ी सूट सस्ता है, पर जो ये पसंद आए वो ये लेना। देखो इसको तीन तीन लेयर लगी है अंदर से, देखो बाहर वाला जालीदार कपड़ा है, अंदर भी कपड़ा, अंदर जाली एक और है, अंदर फिर लोन लगी है। तो पूरा देखा मैं तो जो दुकानदार वो सेल्स मैन है वो दिखा रही है हमें अभी कपड़े, तो देखो इस तरह इसका कलर बहुत अच्छा है। तो कीमत है इसकी 2000 से स्टार्ट है, वो देख लो 2000 से स्टार्ट है, तो लास्ट तो भाई पता नहीं अब कितनी हुई अपनाउन हो जाते हैं। चलो ठीक है वीडियो को लाइक, हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट तो हम वापस आ रहे हैं। तो जितने भी सारे मॉल वगैरह हैं एमजी रोड के पास, तो हम मेट्रो में जा रहे हैं अभी, तो मैं मतलब थोड़ा सा वीडियो यहाँ का भी शूटिंग कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, अब हम पहुँच जाएंगे अपने स्टेशन पे, उतर जाएंगे थोड़ी देर में। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सभी भाइयों को राम राम। तो पहुँचने वाले हम तो यहाँ 3 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, ओके।